हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम है मैं पहुंचाना चाहता हूं, कुरान का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, और मैं आप अपनी बात को समेट लूंगा 15 से 20 मिनट के अंदर। क्या 15-20 मिनट? नहीं, कितना देर? देखिए एक लड़का हाथ उठा रहा है, 5 घंटा। एखाने कब्रिस्तान आछे बगलो काछे आछे। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो झुक कर देखा तो कोई शय है, उठाया, मिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी साफ किया, फिर वो मिट्टी साफ किया, पढ़ा लिखा आदमी था तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, देखा कि खोपड़ी है, किया शे बोलूं तो खोपड़ी जाना ना अपना आदमी की खोपड़ी है, कि आदमी पढ़ा लिखा था उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले रे बाबा ये बाकी क्या है, मरे हुए ना जाने कितने साल हो गए होंगे, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, इसका बाकी क्या है चेक करना होगा। रुमाल में लपेटा, घर लेके आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया, सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता देखता था, अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ रख दो। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में रखा क्या है, ये 2 बार अलमारी खोलता है, ताला लॉक करके चाबी अपने पास रखता है, जरूर कोई गड़बड़ है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल कर रख ली, सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, तो बीवी बोली ओ ये जादू सीख रहा है, इसकी जादुए हम खत्म कर देंगे। वली अब मसाला पीसने वाली मशीन में डाली, चलाई मशीन, घुर 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 मशीन चल कर भूसा बना दिया, पाउडर बना दिया, अब बना के तालाब में फेंक दी। शाम को ये बाजार से आए तो चाबी ढूंढे, चाबी नहीं, बोली क्या ढूंढे चाबी, ये गिर गई थी, लीजिए चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है, तो पीछे से बीवी बोल रही है क्या खोज रहे हैं, खोपड़ी, जादू सीख रहे थे? बोले नहीं अल्लाह के बंदे, हम जादू नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी क्या हुआ? बोला उसकी तो वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला का किए? वही तो हमको जानना है। बोला मिक्सर मशीन में दे करके इतना ना मशीन चलाए कि पाउडर बना के तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बस समझ में आ गया बात, यही उसका बाकी था। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। देखो जगना और बात है, जलसा सुनना और है, अमल करना और है। पूरी रात जलसा सुनो, अगर अमल की नीयत नहीं है ये जगना बेकार हो जाएगा। इंशाल्लाह वादा करो कि जितनी बातें सुनेंगे इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह अमल करेंगे। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। बस दुआया कलिमात की अगर आपकी इजाजत हो तो कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है, कबूलियत की घड़ी शुरू है। अगर आपकी इजाजत हो तो दुआया कलिमात के चंद अशआर सुना दें, सुनाएंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैताने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिमों
इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला दर। आमीन। बहुत तेजी के साथ भाई जिसको जहां जगह मिल रही है बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चंद नौजवान खड़े हैं। हे बाबू, हे बाबू, एखाने बसे जाओ भाई, भालो करे बसे जाओ बाबू, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। अरे दुआ लेकर जाओ, जलसे में आओ, जलसा सुनने के लिए आए हो तो दुआ लेकर जाओ। वो देखिए कुछ नौजवान रोड में खड़ा है, बाबू कहे खड़ा है, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ बेटा, दुआ लेकर के जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह, ये तीन नौजवान खड़ा है, कहे बेटा तुम क्या समझ रहे हो, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पूछे जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, कुर्सी खाली है। इस्लाम नाम का लड़का अभी जलसा में आया ही था, नाम था इस्लाम। अभी वो बैठने ही वाला था कि हजरत कोई जुमला बोले के लोगों इस्लाम कितना पीछे, वो सुन लिया, बोला रे बाबू मौली साहब मेरा नाम कैसे जानते हैं, हजरत हमको पहचान लिया। वो पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बीच से उठ के आगे वो आगे बैठ गए। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे, तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, जलसा सुनने आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दामन में अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को समेट कर लेकर जाओ, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी चंद दिनों पहले मैं सिलीगुड़ी रांची में मेरा प्रोग्राम था, ये उस्ताद जनाब दिल खैराबादी साहब दामद बरकात, ये भी उस प्रोग्राम में थे, यही चंद दिनों की बात है। मेरी फ्लाइट फिर बिहार में जलसा था, फ्लाइट पकड़े रांची से कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा, बागडोगरा से फोर व्हीलर से मैं जा रहा था तो देखा कि जगह जाम है, गाड़ी रुकी, उतरा गाड़ी से, क्या बात है, बोले एक्सीडेंट हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया। तो जब जाके देखा वहां पर, आहा, दिल मचल कर रह गया मेरे बच्चों, मैंने देख जो देखा वहां पर, तीन नौजवान खूबसूरत सब नौजवान उसकी लाशें पड़ी हुई, किसी का जिस्म सलामत नहीं था, एक ही मोटरसाइकिल वो तीनों नौजवान आ रहा था, कोई तेज रफ्तार से गाड़ी ऐसी टक्कर मारी कि तीनों के परखच्चे उड़ गए, किसी का हाथ कहीं पड़ा हुआ है, किसी का पैर कहीं पड़ा हुआ है, किसी की अथरी पथरी सब निकली हुई है, कुर्बान जाओ। यही मैंने सोचा कि या अल्लाह, इन नौजवानों को क्या पता था कि घर से निकलते वक्त क्या मालूम था कि हम घर लौट पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कोई पता नहीं था मेरे बच्चों। नौजवानों दीन को समझो, दीन को समझो, इसलिए हमारे अकाबिरों ने दो मदरसे खोले, कई मदरसे खोले, दो मदरसे। दीन सीखो, दीन को सीखना जरूरी है, अगर दीन नहीं सीखोगे तो फिर नमाज कैसे पढ़ोगे भाई, कुरान नहीं पढ़ोगे तो नमाज कैसे 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 पढ़ोगे, कुरान पढ़ना होगा ना, दीन सीखना होगा ना, नमाज मुकम्मल कैसे होगी, मेरी नमाज कामिल कैसे होगी, दीन को जानना होगा, दीन को सीखना होगा। ये दीन सीखने के लिए कहाँ जाइएगा, कॉलेज जाइएगा कि मदरसा जाइएगा, बोलो भाई। कितने लोग कहते किया जे, किया जे, किया जे रे, बोले मदरसा, बोले मदरसा, मौलवी सब मदरसा बना रहा, चंदा करेगा खाएगा। अच्छा मदरसे अगर ना हो, हाफिज ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, तो आपका गुजारा है, ईमानदारी से बताइए गुजारा है किसी का, तो फिर नफरत क्यों है, मोहब्बत करो ना, जब गुजारा नहीं है तो मोहब्बत करो ना, नफरत क्यों कर रहे हो, इसे आबाद करो ना, उजारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और मैं तो ये कह रहा हूं कि जन्नत में चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी, वहां भी मौलाना की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में, ये हुजूर की हदीस है, जन्नत में अगर आप चले गए वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी, ढूंढते फिरोगे आलिम। बच्चा पैदा हुआ, अब मैं बताता चल रहा हूं आपको, बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, बच्चा घर के अंदर में पैदा हुआ,
अब क्या करेंगे आप, किसको बुलाइएगा? अरे किसको बुलाइएगा, कहे बुलाइएगा? वहां से बच्चा आपका पैदा हुआ, मुर्गी क्या करेंगे? है है अजान देगा, कहे आपको अजान देने नहीं आती है, आपको अजान देने नहीं आती है, अजान मौली साहब देगा। अच्छा ठीक है, दाएं कान में हजरत ने अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर पुकार दी, अब लगे हाथ इस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? देखिए बोलिए ना भाई, बोलिए ना भाई, जो सच्चाई है बोलिए, हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे, सच्चाई अगर है, आप सच्चे इंसान है, पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सिर्फ ये काहिना आपको दिखा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नाम सब रखेगा, लेकिन नाम सब कैसे रखेगा? जिसको इल्म होगा, जिसको जानकारी होगी, जिसको नाम का माने मालूम होगा वही रखेगा, सब कैसे रखेगा? नाम का माने, अगर माने लोगत जो जानता है, जो अरबी जानता है, इसका माने, इसका मीनिंग क्या है, इसका माने क्या है, अब्दुल्ला का मीनिंग क्या है, अब्दुल खाली का माली मीनिंग क्या है, अब्दुल रशीद का मीनिंग क्या है, अब्दुल जब्बार का मीनिंग क्या है, जो जानता है वही रखेगा, जो मीनिंग नहीं जानता है वो उल्टा पुल्टा नाम रखेगा। एक नौजवान बच्चा मेरी खिदमत कर रहा था, 12-13 साल का बच्चा था, मेरी तबीयत बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा बेटा नाम बोल तो, नाम की रे, तो तुम्हारा नाम की? बोले नहीं बोलेगा, हमको लाज लग रहा है। हमारा लाज केनो, लाज केनो, शर्म, नाम तो बोल ली, तो बोला कि मेरा नाम है फटकन। बोले फटकन ये कौन नाम है भाई, किसने रखा? बोला मेरा दादा रखे थे। हमने कहा तुम्हारे दादा का नाम क्या थे? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हम बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। बोलो सेटिंग किया, अभी सेटिंग हुआ। अब ये फटकन का लोगत में माने देखिएगा, माने नहीं मिले, पूरी लोगत की किताब उलट करके आप रख दीजिए, खत्म हो जाएगी, इसका माने नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, पहले जमाने में ओहो कुछ लोग, जाहिलियत ज्यादा थी, लोग दादा नाना से नाम रखवाते थे, दादी नाम रखती थी, कुर्बान जाओ यही तो पैगाम देना चाहते हैं। एक मसला सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है माँ बाप के ऊपर में कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, जिस नाम का माना अच्छा हो, जिस नाम का माना अच्छा हो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। बच्चे का हक मारोगे, उल्टा पुल्टा नाम रखोगे, कल कयामत के दिन ये बच्चा तुम्हारा गरीबान, सब कैसे रख देगा? जो नाम का मीनिंग जानता वही रखेगा। और कुर्बान जाओ, एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, मैंने लड़का का नाम लिख लिया, ओ मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, एक नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, दूसरा बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही, तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला भाई तुम बता दो, तीसरा बोला कि हजरत लिखिए, बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोला, नाम बोलना लड़की का नाम क्या है, तो वो तीसरा भी चुप हो गया। एक दादा मियां बैठे हुए थे, उसको बोला दादा तू ही बता देना का नाम बा, हमके भी लाज लगाता है, वो भोजपुरी लोग वहां बोलते हैं, तो दादा मियां बोले गए हजरत का है गुस्सा मत रहो, लिखो लड़की के नाम, हम बोले बोलो, बोला लिखो लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम, बोले घोड़ी बेगम, घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आया है। सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला है, कुर्बान जाओ अब्दुल्ला है। इमामत में करता हूं ना बच्चों, लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लोग नाम पूछने आते हैं, इमाम साहब लड़का हुआ है कोई नाम रख दिए, तो मैंने कहा उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान, बोला नहीं सब बुढ़वा नाम हो गया, कोई जवान नाम बताइए, बताओ नाम बुढ़वा होता है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, नाम बुढ़वा होता है? हमने कहा कि भैया ऐसा करो इसका नाम रखो अब्दुल्ला, बोले नहीं बहुत बहुत पुराना नाम हो गया ऐसा, कोई नया नाम बताइए। हम बोले ऐसा करो इसका नाम रखो मिंटू, बोला हाँ ये नाम अच्छा है। एक लाश मिली, लाश मिली, मैं बता रहा हूँ आपको इसकी इसकी झलक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा बोर नहीं हो रहे आप लोग इधर वाले? लाश मिली नाले में, लोग जमा हो गए, मोहल्ले वाले लाश को निकाले, लाश को निकाले,
बोले भाई कौन है, मरने वाला कौन है? ऐसा मालूम है दो तीन दिन मरे हुए हो गया, कहीं नदी में डूब के मर गया है, उसकी लाश बहती हुई नाले में आ गई है। बस्ती वाले निकले, मुसलमानों की बस्ती थी। बोला कैसे क्या होगा, पहचान में तो नहीं आ रहा, इस इर्द गिर्द की किसी बस्ती का ये लाश नहीं है, ये आदमी को हम लोग जानते नहीं है, ये आखिर है कौन? तो कैसे पता लगा? हम लोग चंदा उंदा करके इसकी तजवीज़ो तकफीन का काम कर देते, गुसल दे देते, नमाज पढ़कर जनाजा दफन कर देते, लेकिन समझ में तो आएगी मुसलमान है कि नहीं है भाई? समझ में आएगा तब ना। जिसको नहीं पहचानते हैं वो अगर मर जाए तो पहले समझना होगा ना, ये इधर का है कि उधर का, ये इधर का माल है कि उधर का माल है, पहले समझ में तो आना चाहिए ना भाई। ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, ना कुर्ता पायजामा है, कैसे पहचानो? तो किसी लोग कहा कि देखो इसका जेब, इसका पॉकेट में देखो, कोई आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र, कोई आइडेंटिटी कार्ड है। तो जेब तलाशी भी गई तो देखा आधार कार्ड मिला। बोला हाँ अब समझ में आ जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है। बोला हाँ पढ़ो। एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी लिया, बोला पढ़ा, बोलो पढ़ो तो की नाम है? तो पढ़ा, उसमें नाम लिखा हुआ था राजा। राजा ये तो राजा इधर भी उधर भी। बोला नहीं समझ में आया। इसका बाप का नाम बोलो। बोले इसका बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? और कुर्बान लोग परेशान हो गए, भाई हम लोग कैसे पहचानेंगे ये मुसलमान है कि क्या है, पहचान में कैसे आएगा? तब ये बूढ़े मियां बोले कि अरे घबराओ नहीं, ये एक और आइडिया मेरे पास में, उस आइडिया बता देंगे ना उससे एकदम साफ हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए, समझ गए? पढ़े लिखे लोगों की ये पहचान है। नौजवान मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। क्या हम इतने गिर गए? क्या मेरा जमीर इतना गिर गया है कि कहीं मेरी मौत हो जाए तो लोग मेरे लिबास को देखकर मेरी पहचान नहीं कर सके, मेरी शक्ल को देखकर मेरी पहचान ना कर सके, मेरे जिस्म को नंगा करके लोग पहचाने कि ये मुसलमान है कि नहीं है? अरे मुसलमान की पहचान तो ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। पहचान बनाओगे इंशाल्लाह। ये जो खाली है, ये जो खाली है सजाओगे इंशाल्लाह। नौजवानों दाढ़ी रखोगे? एक बात याद रखना, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे, बोलो भाई देखे, ये दाढ़ी पैगाम देती है, ये दाढ़ी बार बार कहती है तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। आइए बेवकूफ नालायक, नाई के दुकान में चला जाता, बोला छीलो, तो दाढ़ी कहती है अरे नहीं छीलो तुम मर्द हो, बोला नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, छीलो। अच्छा देखिएगा एक तजर्बे की बात, आप ट्रेन में सफर करते होंगे, आप और कुर्बान जाइए, एक बिरादरी है वो पैसा मांगता है ट्रेन में, वो क्या बोलते हैं उसको, हिजरा छक्का की बोले ना, बोलो ना, अरे बोलो ना। अजय देखिएगा तजर्बा है हजरत, तजर्बा है। कुर्बान जाइए, मैं जब भी देखा, जब भी ट्रेन में हो चाहे अपनी गाड़ी में हो, टोल टैक्स से मैं अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी रुकती है सिग्नल की वजह से, वहां भी घूमते हैं वो लोग, नहीं आता हम लोग का है ना आता भाई। मैं हमेशा सोचता था यार अल्लाह सबसे पैसा ले रहा है, ये हमसे का ना ले रहा है। तो एक रोज हम बिहार जा रहे थे, अब वो गाड़ी बैंडिल से खुली, आगे एक स्टेशन है, वो मेमारी से पहले जो वो स्टेशन पे गाड़ी रुकी, तो वहां वो लोग चले डिब्बे में, तो मैंने एक को बुलाया भाई इधर आओ, हमने कहा पैसा ले लो, बोला नहीं आपसे पैसा नहीं लेगा। हमने कहे लेगा, हम बोले बताओ तो सही आखिर हमसे पैसा कहे नहीं लेगा? बोला नहीं आप मर्द है ना इसलिए आपसे पैसा नहीं लेगा।
शर्म आती है दाढ़ी वालों से पैसा लेने में, तो पता ये चला नौजवानों, वो पैगाम दे रहा है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी है असल मर्द तो वही है। मुझे उम्मीद है कि इस पैगाम से जो बच्चे हमारे दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, मेरे बच्चों मेरे बेटो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम अमला को देखे होंगे आप लोग, एक क्रिकेटर है, बताओ किसी की कमी है उसको? शोहरत की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है। कुर्बान जाओ, इतनी बड़ी दाढ़ी, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी, आखिर क्या वजह है? वो भी तो शेविंग कट कर करा सकता है। इसलिए नौजवानों, दीन से मोहब्बत सीखो, दीन से मोहब्बत करो और दीन सीखो, कुरान पढ़ो। अच्छा ये बताता है, आज एक बात बताई, अभी तो बात मैंने कहना भी शुरू किया है, ये नाम ही पर अभी हम चल रहे हैं। अभी बच्चा पैदा होता है, लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चे को मदरसा में पढ़ाना नहीं चाहते हैं लोग, बोला नहीं मदरसा में पढ़ेगा हाफिज बनेगा, मौलवी बनेगा, चंदा करेगा खाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा। शौक से बनाई, मेरी इजाजत है, मैं इससे नफरत नहीं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भी दो बेटे मेडिकल की तैयारी करेंगे कोटा, लेकिन मेरा पैगाम यह है कि कब्र में जो सवाल होगा मरने का, अच्छा मरना तो सबको है भाई, मरना तो सबको है, तो वहां की जबान क्या है, इंग्लिश है कि हिंदी है कि संस्कृत है कि मराठा है कि पंजाबी है कि बंगला है कि उर्दू है, मरने के बाद कब्र का जबान क्या है? बोलो भाई, तुम वहां कैसे बोलोगे? यहां पढ़ के जाओगे तब ना बोलोगे। अरे वहां की जबान अरबी है, मन रब्बों का, ये जो लफ्ज है मन रब्बों का, अल्लाह के फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे मन रब्बों का, तुम क्या बोलोगे? आमी की चुप बुझी ना। हाँ भाई, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तो फरिश्ते बंगला सुन करके भाग जाएगा, बोला बाब ये तो भाई बहुत जबरदस्त जबान बोल रहा है, मेरी समझ से परे है। मन रब का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह के फरिश्ते अरबी में सवाल करेंगे, मेरे बच्चों नौजवानों, यही तो कारी तैयब साहब मर्तज़िल्लहू लाली दामत बरकात हुमुल कुदसिया की साथ चटाई पर बैठकर तुम्हें पैगाम देते हैं। ए नौजवानों, कुरान को सीखो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को सीने में उतार लो, इंशाल्लाह अगर तुम कुरान से मोहब्बत कर लिए अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। कुरान से अगर तुमने मोहब्बत कर ली तो इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मदरसा में बैठकर, चटाई पर बैठकर हमारे असातज़ाए किराम, हमारे उलमाए किराम और कुर्बान जाओ ये पैगाम तुम्हें देते हैं कि आओ कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, दीन सीखो, नमाज को मुकम्मल करो। इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कितने लोग तैयार हैं जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बोशे जाओ, ए बाबू बोशे जाओ।